मेरा वॉलेट खो गया यार, खोया नहीं भाई, चोरी हुआ 100%। राम जी यार क्या आवाज आ रही है, आप भी देखिए ऐसी पकड़ कट रहा है। मैं तो हो गया भाई फुल बर्बाद, मैं तो अब छाती पीट पीट रहूंगा। दिन दहाड़े भाई, ऐसा भी नहीं कि रात को पार्टी वार्टी करके आया था तो सेंसेस कम थे, दिन दहाड़े फ्रेश एकदम वर्जिश वर्जिश मार के फुल सेंसेस में। यार मेरे घर से ना मेरा स्टेशन मैक्सिमम 200-250 मीटर होगा सिर्फ दूरी पे, मैं दिखा दूंगा अभी घर जाऊंगा ना। ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, यहाँ से लेकर और वहाँ ये जो लाइट जल रही है यहाँ तक, बस इतना ही है। मैं अपने लॉरेल मस्त घर से निकला, जेब में वॉलेट रख के स्टेशन पहुंचा, और स्टेशन के उतरा भी नहीं था मैं, बस हाथ मारा और देखा वॉलेट नहीं है। ओ तेरी ये कहाँ गिर गया यार, फिर वापस भाग के गया ना, वो 200-250 मीटर की रोड है सीधी सी, और मेरा वॉलेट बड़ा है छोटा नहीं है। दिन के टाइम में वापस घूम रहा मैं रोड पे भाई, दिखाई नहीं कहीं पे भी। जापान में ये सारी चीजें ना वापस मिल जाती है, और पब्लिक कितना इंटरनेट पे तो देखा है कि गिर रही है, पब्लिक उठा उठा के दे रही है, मेरा नहीं दिया किसी ने भी। यार घर से लेके निकला हूँ 250 मीटर, 5 मिनट होंगे मैक्सिमम, 4-5 चक्कर मार लिए उस 250 मीटर के अंदर अंदर, वॉलेट कहीं दिखा ही नहीं यार। दिन दहाड़े चमक जाता है, ब्राउन कलर का वॉलेट था, कहीं नहीं दिखा। ये मेक्सिको का कुछ बना रखा है पर पता नहीं क्या है ये पारक सा है, हर देश की कुछ ना कुछ चीजें रखी हुई हैं। बाकी जो जापानीज लोग बाहर नहीं जा सकते तो यहीं पे ही फॉरेन कंट्री की फील छीले थे कि क्या क्या सिस्टम रहता होगा। ये पाकिस्तान का, भूटान में तो सिर्फ यही बना रखा है बेंच, सिर्फ सिस्टम समझ नहीं आया। रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, फिलीपीन में तो पानी भी है बढ़िया प्याऊसा लग रहा है, ये बढ़िया देश है, पानी पिला रहा है। मेरे कार्ड उसमें सारे यार, मेरा जापान का लाइसेंस, मेरा इंडिया का लाइसेंस, जापान का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है जिसको एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलते हैं, जायरो कार्ड, वो उसके अंदर, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस उसके अंदर, जो मेरा सिक्योरिटी वाला कार्ड होता है यहाँ पर माई नंबर कार्ड बोलते हैं उसको जापान में, वो उसके अंदर, मतलब मेरी सारी आईडी प्रूफ, मेरे सारे बैंक के कार्ड, ज्यादा नहीं 2-3 ही थे, सब उसके अंदर था, सब गया। जहां पर मैं रहता हूँ ना वहां पर चाइनीज टूरिस्ट आजकल भाई भरे पड़े, खूब खूब बड़े वो ट्रॉली बैग्स रहते ना, घर घर यहाँ से वहां डोलते रहते हैं, बड़ी भीड़ रहती है चाइनीज टूरिस्टों की ना, और 2-4 होमलेस से भी घूमते रहते हैं। मैंने किसी ने उठा लिया साफ गया, नहीं तो अगर कोई वॉलेट पड़ा भी हो तो 5 मिनट के अंदर तो उठा के भागा ही है, अगर पड़ा होता तो दिख जाता है यार। मेरे घर के पास ही पुलिस स्टेशन, मैं भाग के गया पुलिस स्टेशन, मैंने कहा मेरा वॉलेट खो गया, ऐसे ऐसे, कह रहा कब खोया, मैंने कहा अभी 5 मिनट पहले, कह रहा कहां, मैंने कि वो वाली रोड पे, कह रहा तो जाओ ना पड़ा होगा, मैंने कि नहीं पड़ा तभी तो आया यहाँ पर। तो फिर उसने रिपोर्ट लिखी मेरी सारी, तो मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं, मैंने कहा मेरे पास सब कोई आईडी प्रूफ नहीं, मेरे सारे कार्ड वार्ड गए, मेरा हर एक चीज जो भी थी मेरे पास सब उसमें था। वो कह रहे पैसे कितने थे, मैंने कहा पैसे वैसे तो कुछ थे ही नहीं खास, जो मेरे जो आईडी प्रूफ वगैरह थे वो सारे चले गए। मैंने कि वही यार जो भी है खुद की गलती है, झेलेंगे जैसा भी होगा। पर उसके बाद ना प्रोसेस होता है कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना होता है अगर तुम्हारी कोई ऐसी जरूरी चीज वॉलेट टाइप खो जाए उसमें तुम्हारा सारा सामान हो, तो वो बताता हूँ सारा का सारा डिटेल में। तो अभी इन दिनों उन्हीं चक्रों में लगा हुआ हूँ यार मैं, गलती खुद की है तो भैया धक्के भी खुद खाने पड़ेंगे, बाकी तो कुछ ऐसा नुकसान होता नहीं है, सारी चीजें वापस बन जाती है, पर थोड़ा टाइम लगता है और धक्के खाने पड़ते हैं इधर उधर के। बैंक के सबसे पहले तो काम होता है भाई बैंक में फोन करके कार्ड बंद करवाओ अपने सारे के सारे, वॉलेट तो गया मेरी जेब में भाई फूटी कौड़ी नहीं, कहा खाऊंगा क्या, कहाँ कैसे जाऊंगा, ट्रेन में बैठने लायक भी नहीं रहा मैं तो मैं सबसे पहले गया बैंक, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरा वॉलेट खो गया, उसमें सारे कार्ड वार्ड मेरे सब कुछ थे, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई तरीका बताओ कि जिससे मैं पैसे अपने निकलवा सकूं, 1,000, 2,000, 3,000 जितने भी निकल पाए मेरे, वो पैसे अगर मैं निकालने कोई रास्ता हो तो वो मुझे बता दो प्लीज़। बैंक की रिसेप्शन वाली औरत कह रही कि आईडी प्रूफ दिखा दो अपना, मैंने कि आईडी प्रूफ तो मेरा गया ना वॉलेट के साथ सारा का सारा, मैंने कि एप्लीकेशन में हमेशा इसी से यूज करता हूँ तो इसमें मेरा अकाउंट नंबर और मेरी ब्रांच नंबर सब कुछ है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है कि ये आदमी आप ही हो, ये कंफर्म कैसे करेंगे हम, तो आईडी प्रूफ चाहिए होगा। कह रही बिना आईडी प्रूफ के हम कुछ नहीं कर सकते, और हमसे बहस करने के बजाय अच्छा रहेगा कि आप जल्दी से कस्टमर केयर फोन करके अपने कार्ड ब्लॉक करवा दो, नहीं तो जितने पैसे जो नहीं निकल रहे हैं ना वो भी निकल जाएंगे और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है बात तो ठीक है, फिर मैंने फटाफट मैंने कहा तो आप, मैं यहाँ से फोन करूंगा तो फ्री डायल पे जाएगा, वो म्यूजिक बजता रहता है टाइम लग जाएगा, आप अपने यहाँ से कॉल कर दो तो शायद हो सकता है जल्दी मिल जाए। कह रहे नहीं वो आपको खुद ही कॉल करना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है भाई करेंगे। तो कार्ड वार्ड बंद करा दिए, तो मैंने कहा इस कार्ड को नया बना के वापस मेरे को दे दो ताकि मैं यूज़ तो कर पाऊँ। तो कह रहे कि वो तो अप्लाई कर दो, तो मैंने कहा अप्लाई एप्लीकेशन बताओ कैसे करना है, कह रहा वो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से हो जाएगी या फिर जब बैंक में जाओ वहाँ से करवा दो। मैंने कहा ठीक है मैं तो बैंक में ही भी करवा देता हूँ, तो कितना टाइम लगेगा, कह रहे 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। तो मैंने कि 2 हफ्ते
मैं कार्ड के बिना फिर मैं कैश कैसे निकालूंगा, पैसे कैसे कहां से लाऊंगा मैं। और यहां पर जापान में पे चलता तो है पर इतना ज्यादा हर जगह नहीं चलता है, कैश की जरूरत तो पड़ जाती है यहां पर। अब मेरे पास तो कैश बिल्कुल जीरो है एकदम। मैंने यार बैंक वाले को बोला कि मेरे पास जीरो येन है अभी इस टाइम, मैं कैसे काम चलाऊंगा, मेरे बताओ ना कोई रास्ता कैश निकालने का कैसा हो सकता है। पासबुक लेके आ जाओ और अपनी जो स्टैंप है वो लेके आओ फिर देखते हैं। तो मैंने कहा पासबुक तो नहीं है मेरे पास। कहीं पासबुक क्यों नहीं है? मैंने कहा अरे वो बैंक जब मैंने अकाउंट खुलवाया था उन्होंने बोला था कि अब तो पेपरलेस वो कैंपेन चल रहा है, कोई एप्लीकेशन में दिख जाएगी सारी चीज़, तो पेपर वाली जो पासबुक होती है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने वो अप्लाई नहीं करी थी। कह रही अरे फिर मेरा कोई यार पुराना कोई अकाउंट पड़ा हुआ था जिसका कार्ड पड़ा हुआ था घर के अंदर, मैं यूज़ भी नहीं करता था उसको। फिर मेरे को याद आया कि हाँ वो कार्ड पड़ा हुआ था, वो देखा मैंने, उसके बाद फिर उस वाले बैंक में ट्रांसफ़र करे ऑनलाइन पैसे और फिर वहाँ से निकाले कैश में। फिर होती है दूसरी ज़रूरी चीज़, जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है ना यहाँ पर, जिसको जायरो कार्ड बोलते हो, उसमें वीज़ा स्टेटस होता है हमारा कि किस वीज़ा पे हो, कब तक का वीज़ा है, सारा वो जरूरी होता है यार। तो फिर मैंने इमिग्रेशन में फ़ोन करा कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा वो खो गया, अब क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे कि तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो सबसे पहले, तो उसके बाद यहाँ पर आओ फिर हम आपका दूसरा बना देंगे। तो मैंने कहा उसके पैसे वैसे कितने लगेंगे? कह रहा ना उसके कोई पैसे नहीं लगते, वो आ जाओ अब हम बना देंगे हाथों हाथ। मैंने कहा ये बढ़िया चीज़ है यार, मैं मस्त चला गया इमिग्रेशन। यार इमिग्रेशन में तो हुआ ही नहीं काम, वो पुलिस वाले ने मेरे को वो तो दिया था पर्चा सा कि इसका सामान खो गया, पर उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट सा बनता है, वो कह रहे वो लेके आओ तब बनेगा। फिर मैंने कि दूसरा आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर मैं गया ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर, अब मिल गया भाई लाइसेंस। ये वाली जगह सबसे बढ़िया थी, मतलब कोऑपरेटिव, उन्होंने झटापट कर दिया काम, कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने कोई भांग बसड़ ज्यादा फालतू की करी ही नहीं, बड़ी जल्दी मेरा लाइसेंस मेरे को मिल गया। तो मेरे पास आईडी प्रूफ आ गया मस्त। अब वो इंडिया वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोबारा से रीइश्यू करवाना पड़ेगा, उसका देखते क्या सिस्टम रहता है। वो इंडिया का मिल गया, इंडिया। अबे ये क्या है? ये तो बंद भी कर रखा है, टूटा फूटा पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। इंडिया की तो कैडी दूरदर्शा कर रखी है यार, भूटान का ही सही था, कम से कम एक बेंच तो रख रखा था। श्रीलंका, मोरक्को, न्यूजीलैंड, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया, यूएसए सिटी ऑफ शिकागो, यूएसए हवाई, यूएसए कैलिफोर्निया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, किंगडम ऑफ बेल्जियम, ब्राजील, चाइना, चाइना का अच्छा खासा बड़ा बना रखा है यार पूरा। कोरिया, अब हेल्थ इंश्योरेंस और माई नंबर कार्ड, जो सिक्योरिटी नंबर का कार्ड होता है यहाँ पर जिसमें सारी डिटेल होती है, वो बनवाना है। अब उसके भी पैसे लगेंगे अलग से, पर अब करवाना तो है ही है। फिर आ जाएगी मस्त लाइफ एकदम बैक टू ट्रैक नॉर्मल। भूख सी लगने लगी यार, चलो यार हालत खराब हो गई। इतना पता नहीं क्या हो रहा है यार ये। वैसे तो प्याज काटते वक्त आंसू आते हैं, इस बार तो बनाते वक्त भी आ रहे। ये नहीं चलाया था मैंने, इससे ठीक होगा। इसे चलाने भूल गया था यार। क्या बनाऊं सब्जी? मिक्स्ड वेज। एनीवे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए थैंक यू यार सच में। और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में खोया पतना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम। मैं तो देखो इसे।